नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के साथ मूंगफली के चटनी का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। एक पीनट चटनी भी कहल जाला और एक डोसा इडली एवं मेंदू वड़ा के साथ खाल जाला। ये खाए में बहुत स्वादिष्ट लगे ले। तो मूंगफली का चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कटोरी मूंगफली धीमी आँच पर भून के और उकर छिलका उतार के रख ले। यहाँ पर है 5 लहसुन का कली और आधा छोटा चम्मच है जीरा, तेल है 2 चम्मच के करीब, नमक है स्वाद के अनुसार, सरसों का दाना है आधा छोटा चम्मच और 3 खड़ी लाल मिर्च है, 8 से 10 करी पत्ता है और 1 इंच के करीब पकी इमली का टुकड़ा है। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर लेके मध्यम आंच पर और ऊपर अब रख देते हैं हम एक फ्राई पैन, और ये फ्राई पैन में आधा चम्मच के करीब तेल डाल देवे के। जब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें सबसे पहले जीरा डाल देवे के। और जैसे ही जीरा थोड़ा चटक जाए तो हमें अब लहसुन के डाल देवे के। अब इसमें वो पकी इमली का टुकड़ा डाल देवे के और डाल के थोड़ा सा चला लेवे के ताकि लहसुन पर थोड़ी सा हल्की सी चित्ती आ जाए, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और सबसे बाद में लाल मिर्च डाल देवे के, अपने पसंद के अनुसार तीखा डाले के। यदि आपके तीखा अधिक पसंद हो तो लाल मिर्च अधिक डालें। और गैस के बंद करके अब एक ठंडा होके के लिए रख देवे के। और यहाँ पर कुछ नारियल का टुकड़ा भी हम ले हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में मूंगफली डाल देवे के, ओकरे बाद ही नारियल का टुकड़ा और ओकरे बाद स्वाद के अनुसार नमक। अभी जोन सामग्री हम लोग भून के तैयार कर ले रनिया वो सामग्री डाल देवे के। और ये सब के थोड़ा पानी डाल के पीस लेवे के। तो यहाँ पर हम आधा ग्लास के करीब पानी डाल दे ले हैं और ये चटनी पीस के तैयार हो गई है। तो ये चटनी थोड़ा गाढ़ी है ताकि हम अब कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये जोन मिक्सी के जार में हम लोग का लगल है चटनी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के साफ करके और इसमें मिला देते हैं ताकि हम लोग का चटनी भी थोड़ी सा पतली हो जाए। चटनी बहुत सूखी है, अब ये चटनी एकदम तैयार है, बस इसमें तड़का लगावे के देरी है। तो अब हमें चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो गैस के एकदम धीमी आंच पर खोल लेवे के है और उपे ये हम तड़का पैन रख देते हैं। और सबसे पहले इसमें हम डाल दे 1.5 चम्मच के करीब तेल और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले सरसों डाल देवे के है। और सरसों जब चटक जाए तो इसमें लाल मिर्च डाल देवे के है और एक बाद सबसे आखिरी में करी पत्ता डाल देवे के है। और अब ये तड़का के उठा के चटनी में डाल देवे के है। तो ये हम लोग की चटनी में बहुत बढ़िया सा तड़का लग गया और ये मूंगफली का चटनी बन के तैयार हो गई है। ये चटनी की हम इडली के साथ सर्व कर ले हैं। आप चाहें तो एक मसाला डोसा, पेपर डोसा या सादा डोसा के साथ भी खा सकेला, मेदू वड़ा के साथ भी खा सकेला। तो इडली और मसाला डोसा का रेसिपी आप लोगन के वीडियो के अंत में मिल जाई और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दीहल है। तो यदि आप लोगन के ई मूंगफली के चटनी बनावे का रेसिपी भोजपुरी में पसंद आई हुई तो प्लीज़ भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो भोजपुरी में देखने के लिए भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।